नमस्कार, फरीदाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौहान। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 11 दिन से धरने और अनशन पर बैठी छात्राओं की सुध लेने जहां उद्योग मंत्री विपुल गोयल सरकारी अस्पताल पहुंचे, तो वहीं उन्होंने देर रात मुजेड़ी गांव में धरने और अनशन पर बैठी छात्राओं और गांववासियों को ठोस आश्वासन दिया कि उनके स्कूल को अपग्रेड करने के लिए वे कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वहीं इस मौके पर उद्योग मंत्री ने अपने हाथों से छात्राओं को जूस पिलाया और कहा कि उनकी मांग के लिए सरकार में वे उनकी ओर से आवाज़ उठाएंगे और उनकी मांगें पूरी करवाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं एक्चुअली बाहर था, मुझे पता नहीं चला। मैं कल आया तो मुझे पता लगा। मैं आज पहले हॉस्पिटल के अंदर गया था, 6 बच्चियाँ वहाँ पर एडमिट थी, उनको डिस्चार्ज कराया गया और उसके बाद इन बच्चियों से मैं आकर मिला और इन बच्चियों को आश्वस्त किया है कि कुछ ना कुछ इनके लिए ज़रूर किया जाएगा। और यहाँ से भी लोकल प्रशासन से भी एक स्पेशल केस के लिए, रिलैक्सेशन के लिए बनाकर भेज दिया। कल 11 बजे वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन के साथ मीटिंग है। गांव के भी 3 लोग वहाँ पर जाएंगे और मैं भी कल चंडीगढ़ पहुँच रहा हूँ। कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगे। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा, इन बच्चियों की जो प्रॉब्लम है, जो व्यथा है, वो उनको बताऊँगा। जो भी रिलैक्सेशन नियमावली के तहत हो सकेगा उसे करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और जल्दी इसका निर्णय हम लोग लेंगे।